बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम इस वीडियो में BPS 5 टू 15 मैथमेटिक्स के कुछ रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन करेंगे। ये इस टॉपिक की थर्ड वीडियो है और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, 8 मैन के डू अ वर्क इन 60 डेज, हाउ लॉन्ग विल इट टेक 6 मैन टू डू द वर्क। मतलब कि 8 आदमी हैं, 60 दिन में अपना काम मुकम्मल करते हैं, तो अगर आदमी कम हो जाए तो कितने दिन लगेंगे। जाहिर बात है दिन ज्यादा लगेंगे, तो ये एक इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है क्योंकि 8 आदमी में से कम हो गए 6 आदमी, पर जो दिन है वो 60 में से बढ़ जाएंगे। वो कितने बढ़ेंगे वो हम मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 8:60 प्रोपोर्शन, और उसके बाद एक्स लगाएंगे क्योंकि हमें वो दिन फाइंड करने हैं, और उसके बाद रेशो 6। अब इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, एक्सट्रीम को मीन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और दूसरी तरफ मीन को एक्सट्रीम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6x इक्वल्स टू 8:60। अब हमें x फाइंड करना है, तो 6 को उसकी तरफ दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो x इक्वल्स टू 8:60 डिवाइडेड बाय 6। टेबल लगाएंगे, 6 1 द 6, 6 10 द 60, तो ये बन जाएगा 8:10 डिवाइडेड बाय 1। अब 8 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आंसर आएगा। मतलब कि हमारा सी ऑप्शन सही है, दिन 80 लगेंगे अगर 6 आदमी हो जाए, मतलब कम हो जाए तो दिन बढ़ जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है, 15 मैन कैन डू अ वर्क इन 12 डेज, हाउ लॉन्ग इट विल टेक 9 मैन टू डू द वर्क। अगर 15 आदमी जो है 12 दिन में काम करते हैं, तो यहाँ पर भी अगर आदमी कम हो जाए तो कितने दिन लगेंगे। जाहिर बातें बढ़ेंगे, तो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है 15:12 प्रोपोर्शन x:9। अब एक्सट्रीम को मीन के साथ और मीन को एक्सट्रीम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 9x इक्वल्स टू 15:12। अब x को फाइंड करना है, तो 15:12 डिवाइड बाय 9। अब हमें यहाँ पर टेबल लगाना है 3 का, 3 3 द 9 और 3 4 द 12, ये बन जाएगा 15:4 डिवाइड बाय। अब यहाँ पर अगेन 3 का टेबल, 3 1 द 3, 3 5 द 15, ये बन जाएगा 5:4 इक्वल्स टू 20। यहाँ पर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन है कि द ब्रिज इज कम्प्लीटेड इन 20 डेज बाय 80 मैन। 20 दिन में ब्रिज कम्प्लीट होती है, 80 लोग अगर उसको कम्प्लीट करें तो हाउ लॉन्ग वुड 70 मैन टू कम्प्लीट द वर्क। अब यहाँ पर भी मैन कम हो गए हैं, तो दिन कितने लगेंगे, जाहिर बात है ज्यादा लगेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 20:80 प्रोपोर्शन x:70। अब यहाँ पर इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो एक्सट्रीम को मीन के साथ और मीन को एक्सट्रीम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 70x इक्वल्स टू 20:80। एक्स फाइंड करना है, तो 20:80 डिवाइडेड बाय 70। अब यहाँ पर हम टेबल लगाएंगे, तो 0 0 को कैंसिल करेंगे, तो ये बन जाएगा 20:8 डिवाइड बाय 7। अब यहाँ पर अगेन जो है 20 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा 160 डिवाइड बाय 7। अब 7 का डबल लगाएंगे, 7 1 द 7, 7 2 द 14। अब यहाँ पर 16 था, 2 इधर जाएंगे, तो ये 20 बन जाएगा। तो 20 में अगर हम देखें तो 7 1 द 7, 7 2 द 14, अगेन 14 लगेगा, और बाकी जो है 6 बचेगा, 8 7 द 56। तो ये हमारा आंसर आएगा 22.8। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 23। इसीलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है, 10 मैन कैन कंप्लीट अ जॉब इन 14 डेज, हाउ लॉन्ग विल इट टेक 4 मैन टू फिनिश द सेम जॉब इफ दे वर्क एट द सेम रेट। 10 आदमी है जो दिन में काम करते हैं, अगर आदमी कम हो जाए तो जाहिर बात है दिन बढ़ जाएंगे, तो वो दिन हमें फाइंड करने हैं। 10:14 प्रोपोर्शन x:4। अब यहाँ पर एक्सट्रीम को मीन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मीन को एक्सट्रीम के साथ, ये क्योंकि ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। 4x इक्वल्स टू 10:14, x इक्वल्स टू 10:14 डिवाइड बाय 4। अब यहाँ पर हम 2 का टेबल लगाएंगे, 2 2 द 4, 2 5 द 10, तो ये बन जाएगा 5:14 डिवाइड बाय 2। अब अगेन 2 का टेबल, 2 1 द 2, 2 7 द 14, ये बन जाएगा 5:7, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 35। इसीलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।